अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास है आईकॉम वन और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की थी और इसके अलावा हमने कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट थे वो डिस्कस किए थे, और उसके अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस की थी वो हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया। हमने बात की थी हमारे पास टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। और हमने बात की थी हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 5 चीजों के ऊपर बेस करती है। हम अकाउंटिंग के अंदर जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इन्हीं 5 चीजों में से कुछ ना कुछ होगा, इनके अलावा इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो वो आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स और खासतौर पर जो उसके अंदर हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, वो चीजें आपने आपस में मिक्स नहीं करनी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है, ये भी हम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा और बहुत ही आसान है। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो अकाउंटिंग के अंदर जैसे मैथ के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करते हैं, लेकिन जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे तो अकाउंटिंग में हम लेफ्ट और राइट की बात नहीं करेंगे, हम लेफ्ट साइड को डेबिट कहेंगे और राइट साइड को हम क्रेडिट कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा, और इसको हम साइन के तौर पर डेबिट को शो करने के लिए हम DR शो करते हैं, DR लिखते हैं, और क्रेडिट लिखने के लिए CR लिखेंगे। ये इसकी एब्रीविएशन, आप इसको साइन समझ लें। हम डेबिट और क्रेडिट पूरा नहीं लिखते अकाउंटिंग के अंदर, आप जहां पर भी देखेंगे ज्यादातर DR और CR लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो DR का मतलब डेबिट और CR का मतलब क्रेडिट। इसकी आपकी जो आपको डिक्शनरी के अंदर आप इसका लगा कर नहीं देखना शुरू कर दे तो आपको इसका कोई मतलब नहीं मिलेगा डेबिट एंड क्रेडिट का। तो ना ही आपने इस डिटेल में जाना और ना इस टेंशन में जाना कि ये इसका जो है वो क्या मतलब है। सिंपली बस यही आपने याद रखना कि डेबिट का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होती है हम उसको डेबिट कहेंगे और जो राइट साइड होगी हम अकाउंटिंग के अंदर उसे क्रेडिट कहेंगे। जस्ट इतना ही आपने याद रखना, और डेबिट को हम DR से शो करेंगे और क्रेडिट को हम CR से शो करेंगे। जिसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, इसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। तो हमने बात की कि कोई भी चीज हम जब अकाउंटिंग में लिखेंगे हम उसे डेबिट एंड क्रेडिट की जुबान में लिखेंगे। तो हमने किस चीज को, ये जो हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं इनको हमने कब जो है वो डेबिट साइड पे लिखना है, इनको कब हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं, हमने बात की है, हमने उसको या तो डेबिट साइड पे लिखना होगा या हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। अकाउंटिंग के अंदर जब भी हम कोई चीज लिखेंगे हमेशा या तो वो डेबिट होगी या वो क्रेडिट होगी, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमने कौन सी चीज को कब जो है वो डेबिट पे लिखना है और कौन सी चीज को कब हमने क्रेडिट पे लिखना है, तो इसके लिए जो है वो कुछ हमारे पास रूल्स हैं। तो वो रूल्स आपने याद करने हैं अच्छी तरह से। तो देखते हैं रूल्स हमारे पास नंबर 1 पे है एसेट्स। तो एसेट्स के लिए क्या रूल है, लिखा हुआ है इंक्रीज इन एसेट डेबिट। जब भी आपके पास एसेट्स में इंक्रीज होगा तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिख देना, और अगर आपके पास एसेट्स में डिक्रीज हो जाता तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब है, बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो देखिएगा वो गाड़ी आपके पास आ रही है, तो जो चीज आपके पास आ रही है, जो एसेट आपके पास आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी एसेट आपके पास आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, उसे आपने कहां पे लिखते जाना है, डेबिट साइड पे लिखते जाना है। और अगर आपके पास से कोई एसेट जा रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा और उसे आपने कहां पे लिख देना, क्रेडिट साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फर्नीचर पड़ा होगा बिजनेस के अंदर, तो आप उसको सेल कर देते हैं, वो फर्नीचर आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, आउट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसे आपने कौन सी साइड पे लिख देना है, क्रेडिट साइड। इसी तरह से आपके पास कैश आ रहा है, तो जब कैश आ रहा है, कैश चूंकि हमारा एसेट है हमने
लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीजें एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज है। अगर आपको ये नहीं क्लियर कि वो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, एक्सपेंस है, तो फिर आपको अगर रूल आता भी है तो आप उसको गलत कर देंगे, क्योंकि अगर आप एसेट को लाइबिलिटी में ले जाते हैं तो आप उसका रूल गलत लगा देंगे। इसी तरह से आप किसी एसेट को एक्सपेंस बना दें या एक्सपेंस को आप एसेट बना दें तो उसके सारे रूल्स गलत हो जाएंगे। इसलिए पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एसेट लाइबिलिटीज एक्सपेंस इनकम और कैपिटल होता क्या, उसके बाद आपने रूल अप्लाई कर लिया। तो एसेट का बिल्कुल सिंपल रूल है, जब भी आपके पास किसी भी एसेट में इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब इजाफा होगा, तो आपने उसे डेबिट साइड पे लिख देना, और एसेट में अगर डिक्रीज होगा तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। जैसे कि आपके पास अभी हमने बात की कैश आ रहा है, तो जब कैश आपके पास आ रहा है उसमें इंक्रीज हो रहा है तो आपने उसे डेबिट कर देना, कैश चूंकि हमारा एसेट है। और कैश अगर आपके पास से जा रहा है, आपने किसी को कैश दे दिया, आपने को जैसे बिजली का बिल पे कर दिया, तो कैश आपके पास से चला जाएगा तो वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट आपने उसे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का रूल एसेट के बिल्कुल उल्टा है। एसेट में हमने बात की इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, जबकि लाइबिलिटीज में इंक्रीज होगा तो हमने उसे क्रेडिट कर देना और डिक्रीज होगा तो हमने उसे डेबिट कर देना। लाइबिलिटीज की हमने बात की थी, जैसे आप किसी से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो जब आप किसी से लोन लेंगे तो आपकी जो लाइबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कर्जा ले रहे हैं तो आपका कर्जा जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो आपने उसे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। और जब आपने लोन लिया था, उसी लोन को आपने वापस कर दिया, पे कर दिया, तो वो जो आपकी लाइबिलिटी थी, जो आपका कर्जा था, वो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी क्योंकि आपने कर्जा वापस कर दिया। तो जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसे हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना। और नेक्स्ट वाले जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है, एक्सपेंसेस को आपने हमेशा डेबिट करना है, इसको आपने हमेशा डेबिट ही करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। अगर आपको एक्सपेंसेस की पहचान है तो उसके लिए आपको कोई जो मसला नहीं होगा, आपने सिंपली जहां पर भी आपको एक्सपेंस मिले आपने उसको डेबिट ही कर देना। इसी तरह से इनकम को आपने हमेशा क्रेडिट कर देना, आपको इनकम की पहचान होनी चाहिए, और इसी तरह से कैपिटल को भी आपने हमेशा क्रेडिट ही करना है। तो ये बहुत ही आसान इसके रूल्स है, तो ये रूल्स आपको 100% क्लियर होने चाहिए, और ये सारे रूल हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर ये सारे रूल्स हमारे यूज होंगे, तो ये आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। कोई भी जो हम बिजनेस के अंदर लेन देन करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज सेल करते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं सिंपल वर्ड में। तो कोई भी जो हम लेन देन करते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने तीन काम करने हैं। नंबर वन पे आपने हेड ऑफ अकाउंट्स की पहचान करनी है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उसके अंदर हमने बात की थी अकाउंटिंग जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये पांच चीजें ही आएंगी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। इन पांच के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर भी यही चीजें डिस्कस होंगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें कम से कम दो चीजें जरूर होंगी, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें कम से कम दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स जरूर होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं होंगे। तो आपका पहला काम क्या होगा एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर, आपने हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान करनी है। हम एक ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। तो इसके अंदर हमने पहला काम क्या करना है एनालिसिस के अंदर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एचओए मतलब हेड्स ऑफ अकाउंट्स की आपने पहचान करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है बिल्डिंग और एक आ रहा है कैश। नंबर वन पे बिल्डिंग और दूसरा कैश। तो पहला काम हमारा क्या होगा, हेड्स ऑफ अकाउंट्स की
पहचान करना कि ये बिल्डिंग क्या चीज है। तो ये बिल्डिंग हमने पढ़ा था पीछे, ये हमारा एसेट होता है और कैश भी हमारा एसेट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट काम क्या हो गया, हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान कर ली है। अच्छा, यहां पर ये जरूरी नहीं कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो दो डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी आ सकते हैं और सेम हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी आ सकते हैं। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीजें आई हैं और दोनों ही क्या है, एसेट है। तो पहला काम हमारा क्या हो गया, हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान करना। दूसरा काम हमारा क्या होगा, हमने देखना होगा कि उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जो भी एसेट आपके पास आ रहा है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा है और जो एसेट आपके पास से जा रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पे हम देखें कौन सी चीज आ रही है और कौन सी चीज जा रही है। परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमने परचेज की है, तो जो भी हम चीज खरीदेंगे वो चीज हमारे पास आ रही है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा काम हो गया, बिल्डिंग हमारा एसेट था और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज, ये हमने दूसरा काम करना है। और दूसरी साइड पे हम देखें कैश, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, जब बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग तो आ रही है लेकिन कैश हमारे पास से जो है वो जा रहा है, इसलिए कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने दूसरा काम कर लिया, पहला काम हमने क्या किया, हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान कर। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है या फिर एसेट में डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा सेकंड काम होगा एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर। उसके बाद नंबर थ्री पे आपने क्या करना है, अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं, इन रूल्स को आपने जो है वो इन चीजों पे हम अप्लाई करना है नंबर थ्री पे। तो देखिएगा हमने एसेट के लिए अभी क्या रूल पढ़ा कि एसेट में इंक्रीज होगा तो आपने उसे डेबिट कर देना है और एसेट में डिक्रीज होगा तो आपने उसे क्रेडिट कर देना है। तो अब आपने यहां पे देख के मुझे बताना है कि एसेट बिल्डिंग हमारा एसेट है और एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज, और क्या रूल पढ़ा था, एसेट इंक्रीज होगा तो आपने इसे डेबिट कर देना और कैश भी हमारा एसेट था और यहां पे कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज इन एसेट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस के अंदर आपने तीन काम किए, सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन के अंदर पहचान की है कि हमारे पास जो चीजें आ रही है किसी ट्रांजैक्शन में वो एसेट है या एक्सपेंस है या लायबिलिटी है या इनकम है या कैपिटल है। तो वो दोनों सेम भी हो सकती हैं या डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे हमने इस ट्रांजैक्शन में देखा दोनों चीजें हमारे पास क्या थी, एसेट। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, जो चीज आ रही है वो इंक्रीज हो रही है और जो चीज आ रही है वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद हमने रूल अप्लाई किया डेबिट एंड क्रेडिट का, तो एसेट में इंक्रीज हो रहा था तो हमने उसको डेबिट कर दिया और यहाँ पे एसेट में डिक्रीज हो रहा था तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये आज का जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से क्लियर करना है, ये रूल्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और उसके बाद आपने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर ये जो तीन चीजें हैं उन्हें डिस्कस किया ये आपने अच्छी तरह से क्लियर करनी है। जब आपको ये क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको आगे से अकाउंटिंग समझने के अंदर बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बहुत ईजी है अकाउंटिंग, आप इसके अंदर 100 में से 100 मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आप साथ साथ चलते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।